बाजे पायलिया मोरी जनन जनन जन जननन बाजे पायलिया बावरी बाजे पायलिया बावरी। राग मारवा नौशाद का अद्भुत नृत्य कंपोजिशन आपके समक्ष। दूसरी रचना जनक जनक मोरी बाजे पायलिया जनक जनक मोरी बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक मोरी बाजे पायलिया। अद्भुत राग मंदिरम कांगड़ा शंकर जी कृष्ण उस शरीर का नाम अब तो रह नहीं वो शरीर में लेकिन उसके माध्यम से ये रचना भारत की पवित्र भूमि पर उतरी। ये दोनों रचना हमारे तक भी पहुंचाई। समथिंग अबाउट श्रृंगार जो भारत के शास्त्रीय नृत्य का श्रृंगार है इसे गांधर्व श्रृंगार कहा जाता है और ये श्रृंगार प्रातःकाल में संध्या समय में जिसे हम कहते हैं नृत्य का आध्यात्मिक रूप अर्थात प्रार्थना के स्वरूप में जब प्रकट किया जाता है रचना को तो रचना के अनुसार श्रृंगार प्रकट होता है। और योग की भाषा में देखें तो ये पूरा श्रृंगार सहस्त्रार चक्र के साथ संबंधित है। ये श्रृंगार की प्रेरणा आती है कि ये सारी रचना है इसका श्रृंगार ये हो सकता है। पूरा धीरे धीरे जब इसमें हम उतरते हैं पूरा स्पष्ट हो जाता है दर्शन में कि इस तरह का श्रृंगार हो जाना होना चाहिए इस तरह का रंग होना चाहिए कॉस्ट्यूम का इस तरह के गहने होने चाहिए। और ये क्या है श्रृंगार इसका मैं रहस्य बताऊं आपको। ये श्रृंगार है मनुष्य को परम समृद्धि की ओर ले जाना भीतर से भी बाहर से भी। और मैं समृद्धि के लिए प्रश्न पूछूंगा क्या मैं मेरी तिजोरी भर दूँ यही मात्र समृद्धि। भारत में समृद्धि के लिए बहुत सुंदर शब्द है बहुत ही सुंदर। समृद्धि का अर्थ मात्र रुपया पैसा संपत्ति नहीं लिया गया उसके साथ जुड़ा हुआ प्रकाश जिसे नाम दिया गया श्री। समृद्धि का अर्थ है नदी की तरह बहती हुई मुझे जितना जरूरत है मुझे मिल ही जाता है और उसके बाद अगर मैंने रखा तो ये मेरा लोभ और भय है ये जीवन का अज्ञान है। और जो जीवन का अज्ञान है कि ज्ञान कैसे पता चलता है जीवन के दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा भय चिंता अर्थात अज्ञान प्रसन्नता आनंद उल्लास श्रद्धा विश्वास भविष्य के लिए अर्थात ज्ञान। तो जो श्रृंगार है कोई भी आप नृत्य शास्त्र देखो भारत के उसमें आप श्रृंगार एकदम प्रसन्नता देने वाला प्रफुल्लित और पूरा समृद्ध श्रृंगार होगा। इसकी भावना है पूरी मनुष्य जात केवल ये नहीं कि हम यहाँ कर रहे हैं तो हम समृद्ध रहे पूरी मनुष्य जात समृद्ध रहे समृद्धि का भाव बढ़े भीतर से समृद्धि अनुभव है। केवल रुपया पैसा संपत्ति इकट्ठी करने से समृद्धि का अनुभव नहीं आता ये अनुभव भीतर से आता है। इसको ना रुपये के साथ संबंध है ना पैसे के साथ ना चीज वस्तुओं के साथ ना संपत्ति के साथ। दिस इज अबाउट श्रृंगार प्रकट कर रहा हूँ दो रचना।